हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, मैं शुभम पांडे और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। अगर अभी तक आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नीट क्रैश कोर्स देख रहे हैं, जहाँ पर पूरे 33 सालों के क्वेश्चन देख रहे हैं, और सेपरेट वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलेगा जहाँ पर हम फार्मूला देखेंगे और कौन से क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुए हैं, और पूरा का पूरा क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट वे में कराया जाएगा। यहाँ पर आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और बाद में आपको क्विज टाइप का होगा कि 1 से 2 मिनट में क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें, इस पर भी वीडियो बनेगा दोस्तों। और बहुत जल्द ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी वीडियो आने वाला है और क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज भी स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, यूट्यूब पर ही से ऑनलाइन देखने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू देने की कोशिश करो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम अभी तक हमने पहला और दूसरा लेक्चर में पूरे 30 से 31 क्वेश्चन देखे थे और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। करें कि एक तारपीन का तेल है, ठीक है, तारपीन तेल है जो फ्लो कर रहा है एक ट्यूब से जिसका लंबाई L है, रेडियस R है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू इंड्स ऑफ द ट्यूब इज, जो प्रेशर का डिफरेंस है दो ट्यूब के इंड्स पर, वो है P। करें द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इज गिवन बाई एंटा इक्वल टू, विस्कोसिटी हमें बता रहा है P इंटू ब्रैकेट में है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 VL, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑयल, वी हमारा वेलोसिटी ऑफ द ऑयल है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, ठीक है, और एक्स हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अरे द डायमेंशन ऑफ एंटा हमें बताना है दोस्तों, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। द डायमेंशन ऑफ एंटा जो है ये कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है। दोस्तों, यहाँ क्या दे रखा है, एंटा इक्वल टू दे रखा है पी जो कि प्रेशर है, फिर है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 VL। तो दोस्तों, पी प्रेशर होता है, हम जानते हैं कि पी इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया एल स्क्वायर। तो ये हमको मिलने वाला है एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2, क्योंकि ये एल के पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 था ही तो माइनस 2 प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस 1। दोस्तों, सेम डायमेंशन को ही जोड़ा और घटाया जाता है। आर हमारा क्या है, लेंथ को बताता है, एक्स भी लेंथ को बताता है, तो ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा ये एल स्क्वायर होगा। तो चलो हम पुट करते हैं, एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2 और आर स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दोस्तों 4 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, वी वेलोसिटी है, एल टी के पावर माइनस 1 होगा और ये एल होगा। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये एम होगा, ये एल स्क्वायर है, ऊपर जाए एल स्क्वायर है, एल एल या और एल स्क्वायर आपस में कैंसिल कर गए तो हमें मिलने वाला है एल के पावर माइनस 1। ये टी के पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और टी के पावर माइनस 2 पहले से ही था, माइनस 2 प्लस 1 तो हमें मिलेगा माइनस 1। तो हमें आंसर आ गया एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 1, ये है हमारा कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एंटा। सो दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 1। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवेन बाई, टाइम डिपेंडेंस फिजिकल क्वांटिटी हमें पी बताना है और पी इक्वल टू है पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी स्क्वायर, वेयर ए इज ए कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टाइम, द कॉन्स्टेंट ए, हमें कॉन्स्टेंट ए का डायमेंशन बताना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये डायमेंशन लेस होते हैं। एक्सपोनेंशियल भी डायमेंशन लेस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशन लेस होता है और लॉगरिथमिक जो भी होता है, लॉगरिथम, ये भी हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो दोस्तों, अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि पी इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल है, फिर माइनस ए टी स्क्वायर है,
तो दोस्तों P इक्वल टू पी नॉट, ये तो सही है, यहाँ भी P का प्रेशर डायमेंशन, यहाँ भी P का प्रेशर डायमेंशन, ये एक्सपोनेंशियल टर्म जीरो होना चाहिए डायमेंशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ए टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन लेस एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर जीरो होना चाहिए। तो ए का डायमेंशन क्या होने वाला है दोस्तों, तो मैं कहूँगा एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर जीरो। ये टी स्क्वायर जो नीचे आएगा इसका डायमेंशन टी स्क्वायर होगा, सो ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस टू, तो ए का डायमेंशन होगा टी के पावर माइनस टू। देखो सही भी है, अगर ये टी के पावर माइनस टू और टी के पावर टू आपस में मिलेंगे तो मिल जाएगा टी के पावर जीरो, क्योंकि ये माइनस टू हो जाएगा, ये प्लस टू हो जाएगा, टी के पावर माइनस टू और टी के पावर प्लस टू, तो जीरो हो गया ना, एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशन लेस होता है। सो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन बी, हैज डायमेंशन टी के पावर माइनस टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ पी रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, सी रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, एस रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, द नॉन जीरो इंटीजर्स एक्स वाई जेड सच दैट पी के पावर एक्स, एस के पावर वाई एंड सी के पावर जेड इज डायमेंशन लेस आर। तो दोस्तों हमें पी एस और सी से एक ऐसा यूनिट बनाना है जो कि डायमेंशन लेस हो, ठीक है, मतलब पी एस और सी को इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है, उनके पावर को इस तरह से अरेंज करना है कि जो वैल्यू आए वो डायमेंशन लेस आए। चलो दोस्तों देखते हैं, पहले पी होता है प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन कई बार निकाल चुके हैं, एम एल के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस टू। इसके बाद है एस, तो दोस्तों S इक्वल टू क्या दे रखा है, S इक्वल टू दे रखा है रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया एंड पर सेकेंड। सो यहां समय मिलेगा एनर्जी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर और ये T। तो दोस्तों यहां से हमें क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है एम टी के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। ओके दोस्तों ये हमें एस मिल जाएगा, और सी हमारा क्या है, सी है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, सी का डायमेंशन होता है एल टी के पावर माइनस वन। तो हमें सी का डायमेंशन पता है, हमें एस का डायमेंशन पता है, और हमें पी का डायमेंशन पता है। तो चलो पुट करते हैं, पी के पावर एक्स, ठीक, उसके बाद s के पावर y एंड c के पावर z इक्वल टू आना चाहिए m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। ओके दोस्तों, तो p इक्वल टू दे रखा है m l के पावर माइनस वन और t के पावर माइनस टू का होल पावर में x। उसके बाद है m t के पावर माइनस थ्री के होल पावर में है y, और उसके बाद है एल टी के पावर माइनस वन होल के पावर है z इक्वल टू एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो एंड टी के पावर जीरो। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर है m के पावर x, और m का पावर कहाँ है, यहाँ पर भी है m के पावर y, तो दोनों जुड़ गए, m के पावर हो गया x प्लस वाई। फिर l देखते हैं, तो x मल्टीप्लाई होगा तो l के पावर माइनस x, यहाँ पर L नहीं है और यहाँ पर L है, सो L के पावर प्लस Z, तो जुड़ जाएंगे, ओके, माइनस एक्स प्लस जेड। फिर T की अगर हम बात करते हैं तो है T के पावर माइनस टू एक्स, टी के पावर माइनस थ्री वाई एंड T के पावर माइनस जेड, ओके, इक्वल टू हमें मिलना चाहिए M के पावर जीरो, L के पावर जीरो, T के पावर जीरो। एल एच एस और आर एच एस बराबर है, तो मैं कहूँगा एम के पावर जीरो और एम के पावर एक्स प्लस वाई बराबर होना चाहिए, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। एल के पावर माइनस एक्स प्लस जेड, तो एल के पावर जीरो, सो दूसरा इक्वेशन है कि माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए, और तीसरा इक्वेशन है कि माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हमें मिलने वाला है x इक्वल टू माइनस वाई। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें मिलने वाला है x
इक्वल टू जेड, क्या मिलने वाला है एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है, या जेड इक्वल टू एक्स कह लें या एक्स इक्वल टू जेड मिलने वाला है। ओके दोस्तों, तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई और एक्स इक्वल टू हमें जेड मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर है हीट एंड ट्रायल मेथड हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू तो ये प्रूव कर देगा कि इक्वल टू जीरो हो गया। तो हम फर्स्ट ऑप्शन है एक्स इक्वल टू, अगर मैं वन रखूँ, एक्स इक्वल टू मैं वन रखूँ तो वाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा माइनस वन मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, y इक्वल टू माइनस वन ऑप्शन ये नहीं मैच कर रहा है। और x इक्वल टू अगर मैं वन रखूँ तो z इक्वल टू भी हमें वन मिल जाएगा, मतलब x इक्वल टू वन तो हमें मिलेगा y इक्वल टू माइनस वन और z इक्वल टू वन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन c, x इक्वल टू मैं वन यहाँ रखा तो y इक्वल टू हमें माइनस वन मिला और z इक्वल टू वन मिला। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन c, x के पावर वन, y के पावर माइनस वन और z के पावर वन। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम एंड हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम 4.7 सीसी। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर 0.01 ग्राम एंड 0.1 सीसी, देन मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी। दोस्तों हमको बॉडी का मास दे रखा है 22.42 ग्राम है, उसमें जो गलती हो रहा है वो है 0.01 का, फिर हमको वॉल्यूम दे रखा है कि वो है 4.7 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें जो गलती है वो 0.1 सीसी का है, 0.1 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब कर रहा है। मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है डेंसिटी में, तो डेंसिटी इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान में वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 इक्वल टू हमें मिलेगा डेल्टा एम बाई m इंटू 100 प्लस डेल्टा v बाई वी इंटू 100। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमको सब कुछ गिवन दे रखा है, हमें डेल्टा d बाई डी 100 निकालना है, यहाँ पर हमको डेल्टा m जो दे रखा है वो दे रखा है 0.01, एरर कितना है 0.01 का, मास कितना है 22.42 इंटू 100 इंटू 100, फिर प्लस है डेल्टा वी दे रखा है 0.1 का, टोटल वॉल्यूम कितना है 4.7 इंटू 100। तो दोस्तों हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है, 100 का मल्टीप्लाई 0.1 से करूँगा हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 22.42% प्लस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलने वाला है 10 डिवाइडेड बाई 4.7। अगर दोस्तों यहाँ अप्रॉक्स हम लेके जाएंगे तो ये 0.04 के करीब आने वाला है, और यहाँ जो अप्रॉक्स आने वाला है ये आने वाला है 2. ठीक है 47 × 94 2.1 के अप्रॉक्स, तो हमें मिल जाएगा 2.14% अप्रॉक्स में। तो अप्रॉक्स में यहाँ पर जो रिजल्ट दे रखा है ऑप्शन ए है 22%, इतना ज़्यादा एरर नहीं है, ऑप्शन बी है 2%, यही सही जवाब है क्योंकि अप्रॉक्स रिजल्ट हमें बताना है। ऑप्शन सी दे रखा है 0.2%, इतना कम भी नहीं है, और ऑप्शन डी दे रखा है 0.02, इतना भी कम नहीं है। तो सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एम नॉट म्यू नॉट इज। तो दोस्तों हमें परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बताना है। ओके दोस्तों, हम जानते हैं कि डी एफ बाई डी एल यह है मैग्नेटिक फोर्स, डी एफ बाई डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान में 2 पाई, और क्या मिलता है आई वन आई टू अपान में आर। दोस्तों यहाँ से हमें जो म्यू नॉट निकल के आता है वो निकल के आता है म्यू नॉट इक्वल टू एक तरीके से फोर्स इंटू 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाई आने वाला है म्यू नॉट, ओ सॉरी म्यू नॉट को तो हमने छोड़ दिया है, उसी साइड हमें मिलने वाला है I1 I2। ओके दोस्तों I1 I2 और साथ में dl। तो दोस्तों अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो f का होगा mLt के पावर माइनस टू, r का 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, r का डायमेंशन l, फिर डिवाइडेड बाई I है तो इसका होगा एम्पियर एम्पियर, और फिर dl है इसका भी डायमेंशन l होगा, तो l l से कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल रहा है
एम एल टी के पावर माइनस टू, ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए के पावर माइनस टू हो जाएगा। सो मेरा करेक्ट आंसर आएगा एम एल टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस टू। सो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एम एल टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस टू। तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज गिवन बाई अ रिलेशन एफ इक्वल टू ए एम के पावर एक्स के पावर वाई वेयर ए इज द डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बताना है। दोस्तों हमको फ्रीक्वेंसी को बताना है इन द टर्म ऑफ एम के पावर एक्स एंड के पावर वाई, जहाँ पर एम है मास और के है हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट, ठीक है स्प्रिंग फोर्स कॉन्स्टेंट। तो चलो देखते हैं दोस्तों, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट में हम ये जानते हैं कि एफ इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, आप जानते होंगे। सो के का डायमेंशन जो निकल के आता है वो आता है एफ बाई एक्स, मतलब कि एम एल टी के पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई अगर मैं एल करूँगा तो हमें मिलने वाला है एम टी के पावर माइनस टू डायमेंशन। के का डायमेंशन हो जाएगा एम टी के पावर माइनस टू। तो हमें फ्रीक्वेंसी इक्वल टू बताना है इन द टर्म ऑफ ए डायमेंशन लेस है, सो एम के पावर एक्स एंड के पावर वाई के टर्म में बताना है। एफ का जो डायमेंशन होता है ये होता है वन अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। ए का डायमेंशन लेस है, एम का डायमेंशन एम होगा के पावर एक्स कहूँगा, और जो के का डायमेंशन होगा वो क्या होने वाला है एम टी के पावर माइनस टू के होल पावर वाई। ओके दोस्तों, तो अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो कहूँगा एम के पावर जीरो है, एल के पावर जीरो है और टी के पावर है माइनस वन। यहाँ क्या है एम के पावर एक्स और यहाँ से मिल रहा है एक्स प्लस वाई और टी के पावर हमें मिल रहा है माइनस टू वाई। ओके दोस्तों, तो आप देख रहे हैं इस लेफ्ट साइड में एम के पावर जीरो है और राइट साइड में एम के पावर एक्स प्लस वाई है। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या मिला जीरो। आप एल के पावर जीरो इधर भी कुछ नहीं है, टी के पावर माइनस वन है और यहाँ पर टी के पावर माइनस टू वाई है, मतलब कि माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो वाई इक्वल टू हमें मिलने वाला है वन बाई टू। तो वाई इक्वल टू हमें मिल गया वन बाई टू, तो एक्स प्लस वन बाई टू हम इसमें पुट कर दिए इक्वल टू जीरो। सो हमें एक्स इक्वल टू मिला माइनस वन बाई टू। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू एंड वाई इक्वल टू वन बाई टू। एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, वाई इक्वल टू वन बाई टू, ऐसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड इज गिवन बाई एफ इक्वल टू माइनस एंटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, जिसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, वेयर एंटा इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंटा पूछ रहा है, कई बार पूछा जा चुका है अब तक, तो एंटा निकालना है तो चलो निकालते हैं। ठीक है, विस्कस फोर्स न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन के द्वारा ये इक्वेशन दे रखा है, एक लिक्विड लेयर है जिसकी एरिया ये है, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड है। तो चलो बताते हैं, एफ इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ इक्वल टू दे रखा है माइनस में एंटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ओके दोस्तों, अब हम कहते हैं कि हमें एंटा इक्वल टू क्या मिलने वाला है, तो कहूँगा एफ इंटू डेल्टा जेड ऊपर और नीचे मिलने वाला है ए इंटू डेल्टा वी। ओके दोस्तों, सो एफ इक्वल टू डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर माइनस टू, और जेड का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है लेंथ का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, और ए से हमारा एरिया है जो कि एल स्क्वायर होता है, और डेल्टा वी है हमारा वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी जिसका डायमेंशन होगा एल टी के पावर माइनस वन। तो दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, फिर एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, नीचे एल बचा। सो हम ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल के पावर माइनस वन हो जाएगा, एक टी के पावर माइनस वन से एक टी के पावर माइनस वन कैंसिल हो गया, तो हमें मिला एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस वन। वैसे भी ये अब तक याद हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि ये इतनी बार यूज हो चुका है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंटा इक्वल टू एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस वन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन किलोमीटर,
वाइल टी इज़ द टाइम इन सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ बी हमको बताना है दोस्तों। एक्स इक्वल टू दे रखा है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू दे रखा है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ हमें बी बताना है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर होगा, साथ में सेम डायमेंशन वाले ही आपस में जुड़ते हैं। ओके, तो मैं कहूँगा कि जो डायमेंशन एल का एक्स का होगा वही सेम डायमेंशन बी टी स्क्वायर का भी होगा। सो बी का डायमेंशन क्या होगा, एल अपान में टी स्क्वायर। तो दोस्तों हम एल को यहाँ मेजर करेंगे किलोमीटर में और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड स्क्वायर में। सो करेक्ट आंसर होगा किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, किसमें करा है अलग डायमेंशन है, मतलब बाकी तीन में वही सेम डायमेंशन है और एक जो है डायमेंशन वो डिफरेंट है। चलो देख लेते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोस्तों एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब। तो हमें क्या मिलने वाला है, एल के पावर थ्री ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, इसलिए ठीक है माइनस थ्री प्लस टू, तो एम एल के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस टू, ये हमें मिला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। करें फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर माइनस टू और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। सो हमें मिलने वाला है एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, ये भी सेम डायमेंशन, ये भी सेम डायमेंशन। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये है हमारा वोल्टेज। ओके वोल्टेज, सो दोस्तों वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज को वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके क्यू से क्यू कैंसिल हो गया दोस्तों, तो हमें क्या मिला वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, और वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी के डायमेंशन होता है, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है। वर्क डन का डायमेंशन जो होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, वही सेम होता है जो एनर्जी का डायमेंशन होता है, वॉल्यूम हो जाएगा एल के पावर थ्री, तो हमें क्या मिलने वाला है एम एल के पावर माइनस वन और टी के पावर माइनस टू। तो दोस्तों अभी तक तीनों के डायमेंशन सेम थे, जरूर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा जरूर डिफरेंट होगा। चलो देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है दोस्तों एम वी आर, सो फार्मूला होगा एम वी होता है एल टी के पावर माइनस वन और आर होता है एल, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन। तो दोस्तों ये डिफरेंट है, यहाँ पर एल के पावर माइनस वन दे रखा था और यहाँ एम एल स्क्वायर आ रहा है, तो यही डिफरेंट है हमारा, कौन सा ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं ईएमएफ को हम कहते हैं पोटेंशियल भी, और पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके दोस्तों हमें एल ही पता करना है, सो पोटेंशियल का जो होता है ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ एल डी आई बाई डी टी, ये माइनस को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें डायमेंशन निकालना है। सो एल इक्वल टू हमें निकल के आएगा कि वर्क डन इंटू डी टी अपान में क्यू इंटू डी आई। ओके दोस्तों सो वर्क डन का जो डायमेंशन होता है ये होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू इंटू डी टी, तो टी डिवाइडेड बाई क्यू जो होता है ये करेंट इंटू टाइम होता है ए टी, और साथ में फिर से एक करेंट दे रखा है, तो टी से टी कैंसिल हो गया दोस्तों, तो हमें क्या मिल रहा है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू ए इंटू ए, सो ए के पावर माइनस टू। सो करेक्ट आंसर है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू ए के पावर माइनस टू। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू और ए के पावर माइनस टू। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क का हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है, और टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर माइनस टू और परपेंडिकुलर डायमेंशन एल, तो हमें मिल रहा है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। सो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, जो वर्क डन का डायमेंशन होता है वही हमारा टॉर्क का भी होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ सी एंड आर डिनोट्स कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी आर इज। दोस्तों सी आर का हमको डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहा है और हम जानते हैं कि वी इक्वल टू होता है आई आर और क्यू इक्वल टू होता है सी वी, तो हमें वी इक्वल टू मिल जाएगा क्यू बाई सी। वी इक्वल टू आई आर और वी इक्वल टू क्यू बाई सी दोनों बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आई आर बराबर क्यू बाई सी। ओके, मैं सी को इस तरफ ले आया तो हमें मिल गया आर सी, आर सी इक्वल टू हमें मिला क्यू डिवाइडेड बाई आई। तो दोस्तों ये क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी डिवाइडेड बाई आई, तो आई से आई कैंसिल हो गया, बचा कितना टी, तो आर सी बराबर क्या होगा टी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो और टी के पावर वन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, हमसे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर, सो एम कैपिटल एम मास के लिए, वी होता है एल टी के पावर माइनस वन और फिर से आर, तो हमें फार्मूला मिलेगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन। सो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे 30 सालों के क्वेश्चंस को देखा और 2020, 2019 और 2018 के क्वेश्चंस हम अलग से क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को ऑनलाइन देखने की कोशिश करेंगे और बार बार देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।